हेलो गाइस, दिस इज मनीष है एंड आज की वीडियो में आपको बताने वाला हूँ हाउ टू गेट ऑनलाइन CCA सर्टिफिकेट। तो जैसे कि हम जानते हैं कि CCA की फुल फॉर्म होती है सर्टिफिकेट इन कंप्यूटर एप्लीकेशन। तो देखते हैं इस वीडियो में हाउ टू गेट इट ऑनलाइन। लेट्स मूव टू द स्लाइड। सबसे पहले देखते हैं इस कोर्स के बारे में, ये कोर्स होता क्या है। तो आप देखेंगे यहाँ पे लिखा है दीज मॉड्यूल्स इंक्लूड्स एन ऑपरेटिंग सिस्टम, कंप्यूटर हार्डवेयर, सिस्टम इंस्टॉलेशन, वेब डिज़ाइनिंग, अकाउंटिंग एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो इस कोर्स में हम बेसिकली जो सीखने वाले हैं एप्लीकेशंस वो होंगी सिस्टम इंस्टॉलेशन से रिलेटेड, ऑपरेटिंग सिस्टम, हाउ टू इंस्टॉल ऑपरेटिंग सिस्टम एंड अकाउंटिंग एंड जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं लाइक वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, जिनको हम नॉर्मली यूज़ करते हैं ऑफिस ऑटोमेशन टूल के लिए, वो एप्लीकेशन हम इस कोर्स के अंदर सीखने वाले हैं। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। जानते हैं इसका सिलेबस। सिलेबस में आप देखेंगे तो 6 मॉड्यूल्स हैं एंड 6 मॉड्यूल्स को में इस कोर्स को डिवाइड किया गया है। पहला मॉड्यूल आप देखते हैं दैट इज़ मॉड्यूल 1। मॉड्यूल 1 में जो कोर्स आता है, जो टॉपिक आते हैं दैट इज़ कंप्यूटर फंडामेंटल एंड सेकेंड जो टॉपिक आता है दैट इज़ इंटरनेट एंड ऑल सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन। तो सबसे पहले आप ऑप्शन देखते हैं कंप्यूटर फंडामेंटल। जैसा कि नाम से पता लग रहा है बेसिक इन्फॉर्मेशन कंप्यूटर की मिलती है यहाँ पे, यानी बेसिक इन्फॉर्मेशन कंप्यूटर की हम सीखते हैं। एंड नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे इंटरनेट एंड ऑल सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन, यानी इंटरनेट की कुछ बेसिक थिंग्स हम सीखेंगे एंड हाउ टू इंस्टॉल सॉफ्टवेयर इनटू अ सिस्टम और PC, वो कैसे इंस्टॉल करते हैं ये भी प्रोसीजर हम इस कोर्स के अंदर सीखते हैं। मॉड्यूल 2 कंप्यूटर हार्डवेयर एंड डायग्नोस्टिक टूल्स। सबसे पहला टॉपिक देखेंगे इसमें क्या, कंप्यूटर हार्डवेयर। जैसा कि कंप्यूटर हार्डवेयर, इसका मतलब ये नहीं है कि यहाँ पे हम कंप्यूटर हार्डवेयर डीपली सीखने वाले हैं, बट हम कंप्यूटर हार्डवेयर का बेसिक जो है यूज़ जो है वो सीखेंगे। नेक्स्ट देखेंगे डायग्नोस्टिक टूल्स, इसका मतलब क्या कि कंप्यूटर के लिए कुछ टूल्स होते हैं, डायग्नोस्टिक टूल्स होते हैं जो कंप्यूटर को हेल्प करते हैं रिपेयर करने में, उन टूल्स के हम यूजेस सीखते हैं। नेक्स्ट देखेंगे आप मॉड्यूल 3 दैट इज़ ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉलेशन एंड एडवांस टॉपिक। सो ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉलेशन में क्या होता है, बेसिकली जब भी हम कंप्यूटर कोर्स करते हैं, सर्टिफिकेट कोई कोर्स करते हैं, तो हमें इंस्टीट्यूट में ये नहीं सिखाया जाता कि OS यानी ऑपरेटिंग सिस्टम को कैसे इंस्टॉल किया जाए PC में, ठीक है। तो ये भी हम पर्टिकुलर जो टॉपिक है इस कोर्स के अंदर सीखेंगे। एंड नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, नेक्स्ट मॉड्यूल देखते हैं मॉड्यूल 4 दैट इज़ HTML, JavaScript एंड CSS। अब बेसिकली अगर आप देखते हैं HTML, सो HTML इज़ ऑलरेडी बिग, मतलब बहुत ज़्यादा वास्ट है, ठीक है। एक दो क्लास में या फिर एक दो महीने में ये कंप्लीट नहीं किया जाएगा, इसीलिए इस कोर्स का भी यानी इस टॉपिक का भी हम बेसिक सीखते हैं। और सिमिलरली इन द सेम मैनर JavaScript जो सीखेंगे वो भी बेसिक सीखेंगे एंड CSS भी बेसिक सीखेंगे। मॉड्यूल 5 देखते हैं दैट इज़ अकाउंटिंग। और अकाउंटिंग में आप देखेंगे यहाँ पे कंसेप्ट अकाउंटिंग, डेली वाउचर एंट्री, प्रिंटिंग, फाइनेंशियल रिपोर्ट, इन्वेंट्री कंट्रोल, सिक्योरिटी कंट्रोल, टैली विद TRP 9। सो अगर इन मतलब अकाउंटिंग कोर्सेज की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे देखेंगे अकाउंटिंग कोर्सेज भी क्या होता है, बहुत बड़ा कोर्स होता है, ठीक है, और दैट कैन नॉट बी कम्प्लीटेड इन 1 and 2 months। तो इसीलिए इस कोर्स का भी यानी इस टॉपिक का भी हम बेसिक यानी बेसिक से थोड़ा एडवांस हम पढ़ते हैं इस कोर्स के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे मॉड्यूल 6। मॉड्यूल 6 इज़ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में जो ऑप्शंस आते हैं लाइक MS विंडोज़, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ के बारे में जानेंगे, MS वर्ड का यूज़, MS एक्सेल एंड MS पावर पॉइंट एंड इंटरनेट ऑलरेडी कवर है फर्स्ट मॉड्यूल में। आई होप गाइस आपको ये सिलेबस क्लियर हुआ होगा। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड एंड जानते हैं इसकी ड्यूरेशन एंड फीस। तो ड्यूरेशन देखेंगे इस कोर्स की क्या है, 3 to 4 months दी हुई है। बेसिकली क्या होता है कि इस कोर्स को अगर बच्चा इनरोल करता है ऑनलाइन, ठीक है, तो जो मैक्सिमम ड्यूरेशन है दैट इज़ 3 to 4 months। बट अगर बच्चा कंप्लीट करना चाहे इस कोर्स को कम से कम टाइम में, तो उसको कम से कम टाइम में भी कंप्लीट कर सकता है। तो उसके लिए उसको क्या करना होगा, उसको ऑनलाइन वेबसाइट पे रजिस्ट्रेशन करना होगा, इनरोल करना होगा। इनरोल करने के बाद उसको एक असेसमेंट कंप्लीट करना होगा 100 questions का। एंड जैसे ही वो असेसमेंट कंप्लीट करता है, असेसमेंट कंप्लीट करने के बाद उसको वो सर्टिफिकेट इशू कर दिया जाता है कोर्स का। एंड इसकी जो फीस होती है, फीस एक्सपेक्टेड नहीं होती है, इसलिए मैं आपको नियरली बताता हूँ कि इसकी जो फीस है वो 3 से 4 हज़ार के बीच में होती है।